हाँ अभिषेक, अरुण बोल रहा हूँ। अरुण भैया क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे क्या? कहाँ गया? हाँ? अच्छा, सूरज सर की अभी चल रही है क्या? तो सूरज सर को बोलूँ, खत्म हो गई उनकी क्लास? करो यार, कोई नहीं आया अभी तक, तो बाकी लोगों को ही बोलूँगी। हेलो। हाँ अभिषेक, हेलो। हाँ सर, करते हैं आज तो मैसेज। नहीं रहेंगे क्या? मैंने सर ग्रुप, दोनों ग्रुप में मैसेज कर दिया है। बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? चेतन कहाँ है? हेलो लोकेश। हाँ लोकेश, यस चेतन नहीं आया क्या? सर, चेतन कहाँ है? एक मिनट सर, मैं उसको मैसेज कर देता हूँ, कॉल करके बता देता हूँ।
हेलो जी सर, वो अभी बाइक पे चल रहा है, वो कह रहा है 5 मिनट में ज्वाइन कर लूंगा, 5-6 मिनट बाद। और भी देते हो? कल कल और भी लोग थे ना, और कौन था? और और भी थे सर, अक्षत था और शाहरुख हो गया, अक्षत है और मैं देख। सब मोहिन, एक मोहिन है, इंद्र कुमार है, अक्षत है, और वनराज था, विकास था। उनको एक बार सर मैसेज ग्रुप में मैसेज डाल दिया ना, अभी देख के ज्वाइन हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं ना। हाँ कल अपन यहाँ थे ना। हेलो यस हेलो। सर, हाँ ये समझ में आ गया था कैसे निकालेंगे इसमें। तो यस सर, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है ना। ये T2 है, और ये T4 है, दोनों के बीच में Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हाँ अभिषेक बताओ। हेलो हाँ सर। हाँ बताओ कैसे निकालेंगे। सर ये T2 और T4 के बीच में ना सर, T2 और T4 के बीच में जो ये R2 और R3 जो पैरेलल में है रेजिस्टेंस, उनको सॉल्व करेंगे और उनको पैरेलल से सीरीज में लेके आएंगे और इन सीरीज वालों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए ये पैरेलल का फॉर्मूला बता रखा है, R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, ये वाला प्लस R4, ये दोनों को ऐड करेंगे और उस फॉर्मूले में लगाएंगे T2 माइनस T4 अपॉन ये जो पैरेलल वाला है R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R3 प्लस R4। जैसे आपने बताया सर, कल उसको अलग मतलब स्पेसिफिक नाम दे हाँ देंगे उसको सर, नहीं, नाम नहीं बड़ी बताना, टर्म ये हो को जाएगा नाम दे T2 देंगे अलग। माइनस T4 अपॉन
ठीक है। अच्छा ये किसकी समझ में नहीं आया आप में से? हेलो ये किसकी समझ में नहीं आया? हेलो आ गया सभी समझ में? हाँ घनश्याम हेलो सर ये आ गया समझ में? आ गया। अच्छा एक बार सब अपनी अटेंडेंस सेंड करो है ना पी करके। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। कौन बताएगा इसके बारे में क्या होता है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन? हाँ चेतन हेलो हाँ अभिषेक यस सर क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है? सर क्रिटिकल थिकनेस वो थिकनेस होती है जो हम हीट कंडक्शन के लिए यूज करते हैं। इंसुलेशन की कोटेड लेयर होती है वायर पे, उससे वो आउटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कांटेक्ट में होती है जो हीट डिसिपेशन में यूज आती है सर। और बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती, मतलब अंदर की हीट को बाहर ज्यादा नहीं जाने देती है सर। इंसुलेशन की जो लेयर होती है नहीं नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा जाने देती है। उल्टा बोल गए। और कोई बताएगा? क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होगी? सपोज करो ये वायर है, ठीक है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है, या अपन ये कहेंगे हीट फ्लो हो रही है क्यू, ठीक है। ये देखो इसमें से फ्लो हो रही है आई करंट, ठीक है। आई करंट फ्लो होगी तो क्या होगा? इसके अंदर हीट डेवलप होगी, टेम्परेचर वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा आई स्क्वायर और आर। आर क्या है? इसका रेजिस्टेंस है, तो इतनी हीट इसमें जनरेट होगी करंट के, करंट फ्लो होगी तो आई स्क्वायर आर है ना। हीट होगी वो क्या होगी? क्यू की वैल्यू हो गई है, क्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अगर ये आई स्क्वायर आर कंटिन्यू इंक्रीज होती रही और टेम्परेचर ये वायर का मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हो गया तो वायर मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये हीट डिसिपेट हो जानी चाहिए, मतलब ये जो वायर के अंदर से निकल कर बाहर बाहर जानी चाहिए निकल के, है ना। यहाँ मतलब हीट का लॉस हो जाना चाहिए वायर के अंदर ताकि वायर का टेम्परेचर कम हो जाए, इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रहे, तो अपन इसके ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं वायर के ऊपर, है ना। ये वायर है इसके ऊपर अपन इंसुलेशन लगाते हैं,
इंसुलेशन का काम क्या होता है? एक तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती फर्स्ट, सेकंड क्या होता है हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज हो जाए, है ना, अपन ऐसे चाहते हैं हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज हो जाए, है ना, वो एक पर्टिकुलर रेडियस तक तो इंक्रीज होता है, उसके बाद कम हो जाता है। सपोज करो ये अपन ने इंसुलेशन लगाया तो उसकी टोटल रेडियस हो गई है आर, ठीक, तो इसमें हीट ट्रांसफर इस तरह का कर्व आता है, है ना, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, थिकनेस ऑफ रेडियस हो गई है आर, है ना, तो एक पर्टिकुलर रेडियस पर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है, उसके बाद रेडियस इंक्रीज होगी हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा, और यहां से इंक्रीज हो रही है तो हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सपोज करो ये क्रिटिकल थिकनेस बोलते हैं इसको, इस रेडियस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिकनेस, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, इससे ज्यादा अगर अपन इंक्रीज करेंगे रेडियस तो क्या होगा, आठ से ज्यादा है तो इधर आ जाएगा, ये मान लो इधर आ गया इंक्रीज होने पे, तो हीट ट्रांसफर कम हो गया। यहाँ पर देखो क्यू की वैल्यू, यहाँ पर सपोज करो ये वैल्यू है 60 और यहाँ पर वैल्यू आ गई है 50, ठीक है, हम चाहते हैं मैक्सिमम हीट लॉस हो वायर के अंदर ताकि वायर मेल्ट नहीं हो, ठीक है, जिस रेडियस पर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। उस थिकनेस कैसे निकालेंगे, ये तो रेडियस हो गई टोटल, रेडियस में से आर टू माइनस आर वर्क करेंगे तो ये थिकनेस आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। अपन इसमें देखते हैं सिलेंडर है ये, है ना, ये इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब केबल और वायर द आउटसाइड सरफेस ऑफ विच हैज अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिसिपेशन ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इनटू द सराउंडिंग। ये आउटसाइड है, यहां से हीट ड्यू टू कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है। लेट द सरफेस बी कवर्ड विद ए लार्ज ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, पहले तो ये वाला था, अब अपन ने ये इसके अंदर इंसुलेशन से कवर कर दिए, ये पूरा इंसुलेशन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस कितना है आर वन, ये अपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया। द आउटर एक्सपोज सरफेस टेम्परेचर विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ हायर कंडक्शन रेजिस्टेंस। अच्छा, अपन ने इंसुलेशन लगाया तो इंसुलेशन का कंडक्शन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आउटर का कम हो जाएगा। बट द सेम टाइम द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर कन्वेक्शन हीट डिसिपेशन विल इंक्रीज कॉजिंग मोर हीट लॉस। अच्छा, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के लिए क्या होता है, क्यू इक्वल टू एच ए और डी टी, ये होता है ना, तो क्यू किसके प्रोपोर्शनल है, ये कन्वेक्शन में ए के प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, पहले एरिया क्या था, इनर वाला रेडियस ये था, पहले तो एरिया था टू पाई, ये सपोज करो रेडियस है आर जीरो, आर इनर, आर आई, है ना, आर आई, और ये लेंथ है एल, तो टू पाई आर एल था एरिया। अब क्या हो गया, अब ये वाला एरिया हो गया,
पहले ये वाला था, अब ये वाला हो गया। ये वाला कितना हो गया, 2 पाई आर ओ, आउटर है ना, आर ओ और एल। कौन सा एरिया ज्यादा है इसमें से, 2 पाई आर आई एल ज्यादा है या 2 पाई आर जीरो एल? हेलो, हाँ अभिषेक। यस सर। कौन सा एरिया ज्यादा है? आउटर वाला ज्यादा है सर। 2 पाई आर, 2 पाई आर ओ एल, 2 पाई आर ओ एल है ना। देखो इसमें रेडियस ज्यादा है ना, ये आर आई इनर वाला है, इनर की रेडियस सपोज करो 5 है और इसकी कितनी हो गई, 50 है। ठीक है, तो आर ओ ग्रेटर देन आर आई है, ठीक है, आर ओ आर आई से ज्यादा है तो ये एरिया ज्यादा हो जाएगा, बाकी दो तीनों चीज सेम है, 2 पाई और एल है ना। यस सर। तो अपन ने जैसे इंसुलेशन लगाया तो एरिया इंक्रीज हो गया, ये एरिया बढ़ गया ना, तो क्यू की वैल्यू बढ़ गई, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बढ़ गया। वो कहाँ पे लिख रहा है, तो इसमें लिख रहा है द आउटर एक्सपोज सरफेस टेम्परेचर विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ हायर कंडक्शन रेजिस्टेंस बट एट द सेम टाइम सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर कन्वेक्शन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर डिसिपेशन विल इंक्रीज। इंक्रीज हो गया ये एरिया, तो एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर तो बढ़ गया और कंडक्शन कम हो और इसमें सेकंड फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एज इंसुलेशन इज एडेड टू द ट्यूब द आउटर एक्सपोज सरफेस टेम्परेचर विल डिक्रीज। अब ये देखो पहले ये था इनर वाला, ठीक है, अब अपन ने इसके अंदर क्या लगाया, इंसुलेशन लगा दिया, ये इंसुलेशन है, ये ठीक है। सपोज करो यहां पर टेम्परेचर था, जो सरफेस पर इन दोनों पे सेम टेम्परेचर था, कितना था, 80 डिग्री इंसुलेशन लगाने के बाद क्या हुआ, कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगा और यहाँ पर टेम्परेचर रह गया 50 डिग्री। इस पॉइंट पर भी 50 डिग्री हो गया है ना, क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया तो हीट ट्रांसफर डीटी कम हो गया। डीटी क्या होता है इसमें, ये टेम्परेचर माइनस टी इन्फिनिटी, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सपोज करो 30 डिग्री है ना, तो डीटी क्या होता है इसमें, 50 माइनस 30, पहले 80 था तो पहले डीटी कितना था, पहले डीटी था 80 माइनस 30, अब कितना हो गया डीटी, अब डीटी हो गया 50 रह गया, ये 50 माइनस 30, ठीक है, तो Q is equal to H A dt, तो A तो इंक्रीज हो रहा है और dt डिक्रीज हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, दोनों अपोजिट इफेक्ट हो गए। हाँ अनिरुद्ध, हेलो। हाँ सर, समझ में आ रहा है क्या, आवाज आ रही सर, सर आवाज आ रही है, हेलो, हाँ समझ में आ रहा है, हम जो हाँ सर आ रहे जी सर, सर
यहाँ तक किसी समझ में नहीं आ रहा। सबकी समझ में आ रहा है? हेलो इसको नोट करो। ओके सर। हेलो सर, ये जो आपने रेड पेन से लिखा है कि जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है नोट्स, वो नोट करना है? पेन से जो लिखा है, ब्लू पेन से लिखा हुआ है? नोट कर लिया? कर रहा है। कर रहा हूँ सर। हो गया सर। ये देखो, ये इनर वायर है ना, ऊपर अपन ने ये इसके ऊपर इंसुलेशन लगाया है, ये है ना इंसुलेशन है, इनर का टेम्परेचर है ये टी, ठीक है। तो इसका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस हो गया R1, और R2 कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस हो गया, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, ये T इन्फिनिटी हो गया आउटर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये R इंसुलेशन हो गया, ये R कन्वेक्शन हो गया, ये R1 R2, ये डायग्राम बनाओ, ये हो गया TT और ये TA, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर TA लिया इसमें, है ना? यस सर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, TA माइनस TT अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये R1 है और ये R2 है, R insulation plus R convention plus to Q. हो गया ये? Yes sir. TT minus TA is equal to Q into R1 plus R2 हो जाएगा ये, है ना? देखो इधर, इसको इधर multiply कर देंगे ना Q को, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आर वन प्लस आर टू। आर वन की वैल्यू क्या है, ln आर टू अपॉन आर वन 2π k1 है, और आर टू की 1 अपॉन 2π r2 lha। आर वन की वैल्यू कैसे आई? हाँ अभिषेक, अभिषेक R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हेलो
हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही सर आपकी? सर अभिषेक आवाज आ रही है क्या? नेटवर्क दिक्कत आ रही है। हम्म, कॉल उनके शायद नेटवर्क की दिक्कत आ रही होगी अभिषेक जी के। नहीं आ रही क्या? सर शायद नहीं आ रही हो, नेटवर्क दिक्कत आ रही होगी। हेलो। तो वो है तो सर ही। हाँ अभिषेक, नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही क्या? आ रही है सर थोड़ी। हेलो। देखो हाँ सर, हेलो। क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स ही होता है ना कंडक्शन के लिए। यस सर। ये होता हाँ सर। है ना? हाँ अभिषेक आवाज आ रही हाँ सर आ रही है। है ना? तो इक्वल टू अपन क्या मानते हैं, क्यू इक्वल टू डी टी अपॉन आर। ठीक है, तो अपन आर आर की वैल्यू निकालनी है हमको। सिलेंडर के केस में अपन ए की वैल्यू क्या लेते हैं, ए इक्वल टू ए सॉरी ए एल एम। एल एम का मतलब क्या होता है? लॉग मीन, है ना? ए एल एम लेते हैं अपन, ए इक्वल टू ए एल एम। ए लॉग मीन की वैल्यू क्या होती है इसमें? ए एल एम इक्वल टू क्या होता है, ए टू माइनस ए वन अपॉन एल एन ए टू अपॉन ए वन। ठीक है, तो ए एल एम की वैल्यू क्या आएगी? ए टू क्या हो गया इसमें, टू पाई आर टू एल माइनस ए वन क्या हो गया, टू पाई आर वन एल अपॉन एल एम। एल एन ए टू अपॉन ए वन, ए टू क्या हो गया, टू पाई आर टू एल अपॉन टू पाई आर वन और एल। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, नीचे रह जाएगा एल एन आर टू अपॉन आर वन और टू पाई एल कॉमन आ जाएगा। ये क्या होगा, टू पाई एल आर टू माइनस आर वन अपॉन एल एन आर टू अपॉन आर वन। हाँ अभिषेक, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हेलो। नो सर, नो सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? नहीं सर, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ में आ रहा है ना? नहीं सर। नोट किया था ये? नहीं, नहीं किया? नहीं सर। आज नहीं। चलो मैंने एक ही जगह अपन यूज करेंगे ए एल एम लॉग मीन, है ना?
तो क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस के ए एल एम, ए एल एम डी टी अपॉन डी एच, ठीक है। और ए एल एम की वैल्यू क्या है, ए एल एम इक्वल टू है ए टू माइनस ए वन अपॉन एल एन ए टू अपॉन ए वन, ठीक है। ए टू की वैल्यू ये है, ए वन की ये है, एल एन ए टू अपॉन ए वन, नोट कर लो चलो पहले, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी सर जी, करो। नोट कर लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर कर लिया।
ठीक है, यहाँ तक हो गया था, इसको मिटा दूं मैं।